वीडियो है, वीडियो सामने सामने देखिए, या दीपक जी थोड़ा इन बच्चों से बातचीत करो ना। मैडम मिलो सर को, मिलो सब लोग। मैडम मोबाइल हटाइए जरा दीपक सर, दीपक दीपक सर यहाँ पे, ये क्या बड़ा दीपक सर, ये क्या बड़ा बहुत बहुत स्वागत है आपको इस कन्वर्जेशन में। काफ़ी मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी ने योगा को एक स्तर एक लेवल पे लेके आया हो तो आपने लेके आया, जो हमने अभी देखा आपने जो इनिशिएटिव उठाया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं आभारी हूँ कि प्रधानमंत्री जी वापस ले दें। हिंदी इंग्लिश चलेगा। मैं एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उन्होंने इतना प्रोत्साहन दिया और उन्होंने हम लोगों को एंकरेज किया, मुझे एंकरेज किया। स्पेशली एक इंडिविजुअल नोट उन्होंने भेजी मेरे लिए, जब उन्होंने देखा कि मैं एनजीओ के थ्रू इस नेशनल लेवल के इस स्तर के ऊपर मैं योगा कंपटीशन कर रहा हूं। तो जहां छत्तीसगढ़ से लेकर, एक सेकेंड मेरे को ये लेना पड़ेगा, पूजा है। कैरी ऑन टू राजहंस विद्यालय, इसको बंद कर। आई एम वेरी थैंकफुल टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिन्होंने एक्चुअली में इतना प्रोत्साहन दिया और एक इंडिविजुअल एक इवेंट जो हम लोग कर रहे हैं नेशनल योगा चैम्पियनशिप, उसको लेकर उन्होंने इतना हमें मोटिवेट किया और एक पर्सनल लेटर जब भेजा, तो जितने भी कंटेस्टेंट हैं जो हर स्टेट से आए हैं, छत्तीसगढ़ कहो, बंगाल से कहो, यू नो गुजरात से कहो, सो देर सो मैनी ऑफ देम एंड दे आर ऑल सो एक्साइटेड। तो इन लोगों ने उस लेटर के साथ में फ़ोटोग्राफ्स भी निकाली और इतने खुश हुए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिविजुअली इस इवेंट को इंकरेज किया है, ताकि हर बच्चा जो पूरे भारत में योगा करता है, योगा को स्पोर्ट लेकर एक कम्पीट करना चाहता है, अपनी कलाकारी दिखाना चाहता है, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में। तो जो हमने एज़ थ्रू इस एनजीओ, मैंने ये हम लोग जो मिले साथ में और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस एनजीओ के थ्रू, इस इवेंट के थ्रू हम लोग बच्चों को इंटरनेशनली दिखाना चाहते हैं कि हम इंडिया में सिर्फ एज़ योगा हम लोग प्रैक्टिस भी नहीं करते, हम लोग भी जो स्पोर्ट वो लोग एज अ स्पोर्ट लेते हैं इंटरनेशनली, वो लोग कॉम्पिटिशन सालों से करते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम यहाँ से हमारे बच्चे को ऐसे रेडी करें और हमारे योगियों को ऐसे रेडी करें कि वो इंटरनेशनली जाके भी दिखाए कि वी आर नॉट जस्ट परफॉर्मर्स हु आर बिलीविंग इन योगा, बट ऑल्सो वी कैन डू इट एज अ स्पोर्ट एंड वी कैन विन इट एज अ स्पोर्ट। तो बस यही ये ख्वाहिश है कि हमारे एनजीओ यैम्स के थ्रू, योगा एसोसिएशन ऑफ मुंबई सबर्ब्स के थ्रू, हम लोग पूरे देश में हर स्टेट में स्टेट लेवल की कंपटीशन करते करते फाइनली नेशनल लेवल करें हर साल, और बच्चों को जो है वो उनको मौका दें कि दे विल
हैव फैसिलिटीज़, दे विल हैव नो वीज़ा प्रॉब्लम टू गो इंटरनेशनली, क्योंकि हमने ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं जहाँ पे बच्चे जीतने के बाद इनको इंटरनेशनली अगर जाना होता है तो उनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो हम इस कोशिश में रहेंगे कि हमारे साथ में जो जुड़े हैं लोग उनको ऐसी कोई तकलीफ ना हो। एक सेकंड, क्या पूजा कम टू द ऑडिटोरियम। अरे बाहर पूजा जी वहाँ स्कूल के बाहर खड़ी है, स्कूल से लेके आओ। फोन वाली यूज़ जी बहुत अच्छी बात है। पूजा जी अभी कुछ देर पहले मेंशन कर रहे थे वेस्टर्न कल्चर इस योगा की इस जो एक्सरसाइज फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है उसको इस तरीके से अडेप्ट किया है, अपनाया है, अपना खुद का बना दिया है। और हमारी जो चीज़ थी वो अब हमें एहसास होता है कि इतनी खूबसूरत चीज़ है जिसकी वैल्यू हम शायद नहीं करते थे। दीपक आज इसको इस लेवल पर ला करके इसको उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मैं पर्सनल तौर पे ये कहना चाह रहा था कि ऑल मैन जनरली फील के यू नो योगा इज़ अ सिसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड इट्स नॉट वेरी कूल टू डू इट, बट मैंने लिटरली पिछले मंथ पहली बार योगा ट्राई किया और नानी याद आ गई थी। इतना पसीना छूटता है सबसे पहले और ऐसे बॉडी पार्ट्स आपके आपको पता एहसास होता है कि एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं एंड इट्स रियली रियली चैलेंजिंग एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड इट्स समथिंग दैट वी शुड टेक फॉरवर्ड। आई थिंक द इनिशिएटिव इज कमेंडेबल, इसलिए हम यहाँ पे हैं टू एंड नॉट ओनली एंड सॉरी कैन आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आई सेड द इनिशिएटिव इज कमेंडेबल एंड दैट्स व्हाई यू वी आर हियर टू पुट आवर वेट लिटरली एंड फिगरेटिवली बिहाइंड इट एंड टेल पीपल दैट गो आउट देयर
and all you need is a mat and, you know, a tiny room to be able to do this. You don't even really need very complicated machinery to be able to do this form of exercise. And yoga, besides, aapko fit to rakhta hai, magar I think what it does, aur aaj ke daur mein jab ye pressure itna badh gaya hai, hum sab par, stress is a reality of life. And I think that yoga is the greatest stress buster. Maine jab ye 6 mahine ke liye yoga shuru ki thi, I realized ki zindagi bhar main saans hi galat le rahi thi. And simple things like that, when you start breathing right, you start thinking right. So I think sense of balance, strength or humility. Yoga se maine humility bahut seekhi. It's not only about touching your toes, it's about somewhere bending down and understanding. Like Sharman said, ki you suddenly realize that there are parts of your body that you didn't even know existed. So I think that overall, it's something that heals you from the inside out. Bahut sare aise exercise, main bahut logo ko dekhti hu jo gym jaate hain. आप बाहर से देखें तो सिक्स पैक हैं और मसल्स हैं, मगर वो अंदर से बहुत अनफिट रहते हैं इन मोस्ट केसेस. सो वी आर सो ऑब्सेस्ड विथ हाउ यू लुक ऑन द आउटसाइड. को हम कोई हमें पूछता नहीं है कि भैया ये सब ठीक है, मगर अंदर क्या गूंज रही है आपके दिल में, या दिल का क्या हाल है, दिमाग का क्या हाल है, आर यू स्ट्रेस्ड आउट. एंड इन 99.9 केसेस वी आर एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड आउट. सो आई थिंक दैट योगा इज़ आर्स. The West has popularized it and kind of somewhere given it back to us, and we are looking at it suddenly with new eyes क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उसको एक platform दिया है. तो let us kind of reclaim what is ours. Let's go back to the basics. Let's hit the mat and let us kind of breathe, stretch, relax and grow mentally and physically. I think that's my tiny way of putting it. Awesome. And now you're an expert, so you can add to it. No, I'm not an expert. Deepakji, what is the dream behind this, all this initiative? What you're thinking and where it's going to end? See, the whole idea is, I mean, it was a platform that we thought, because yoga was never considered a sport. But technically speaking, there is a lot of potential in this whole thing as a sport. And ye cheez internationally saalon se ho rahi hai aur hum hi log usko ignore karte aa rahe hain. We're just saying it's health, it is for the health, it is, everything is there, but it's also being practiced. Aur hamare desh mein interiors mein ye competition hota hai jiski hum logo ko kuch pata hi nahi hai. To main chah raha tha ki main isko city mein le aaun, hamare economic capital se hum shuru kare, aur yahan se we are looking at, because this is what really matters. जैसे अगर हमारे इंडस्ट्री के लोग इसको एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं, जैसे शर्मन ने कहा इसने शुरू किया अभी, ये भी करती थी प्रैक्टिस लेकिन पता नहीं था लोगों को. मैं कितने लोगों को जानता हूँ, गुलशन ग्रोवर आए थे अभी तो उन्होंने कहा वो सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अनिल कपूर सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जितने भी हमारे मेरे कलीग्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी बाहर आके इसके बारे में बात नहीं की. और ये कॉम्पिटिशन के थ्रू अब मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले, मेरे जितने भी कलीग्स हैं वो सारे प्रैक्टिस करते हैं और सारे इसीलिए हेल्दी हैं. हम लोगों को पूछा जाता है, जैसे अभी तो मैं कैमरे के पीछे हूँ, मुझसे मत बात करना, लेकिन इन लोगों को भी पूछा जाता है कि ये क्या राज है, ये है वो है. तो ये बेसिकली वही है कि यू नो टेक्निकली वी शुड प्रैक्टिस योगा. एंड द आइडिया इज़ कि इसको नेशनल कॉम्पिटिशन इसलिए कर रहा हूँ बेसिकली कि यहाँ छत्तीसगढ़ के बच्चे, बंगाल के बच्चे, यू नो ऑल दिस प्लेसेस फ्रॉम गुजरात, जहाँ से लोगों को मौका नहीं मिलता बॉम्बे आने का, परफॉर्म करने का, एक नेशनल लेवल पे जाने का, और एक कंपटीशन के थ्रू वो लोगों को हम इंटरनेशनली पहुँचाना चाहते हैं. जैसे कि इस कंपटीशन में जीतने वाले बच्चे चाइना जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू कम्पीट इन बीजिंग ऑन द 1st and 2nd of December. दे आर फाइटिंग इंटरनेशनली. सो ये एक पोटेंशियली एक ऐसी जगह मैं बनाना चाहता हूँ कि नॉट ओनली वील डू द नेशनल, बट वी विल स्टार्ट ऑफ डूइंग नाउ हियर ऑन एवरी स्टेट. And we do state-wise, we'll collect the best potential from the state, then we'll compete them on the national, जो हम लोग इंटर कॉलेज में हमेशा करते रहे. मैंने सबसे पहले शर्मन को यही कहा कि मैंने काफ़ी सालों बाद ऐसा एक फोबिया देखा अंदर अभी, कि जो हम लोगों ने हमेशा इंटर कॉलेज में देखा है, क्योंकि वी हैव विटनेस्ड इट, वी हैव फेल्ट, एंड आई गॉट दैट गूज बम जस्ट नाउ. अंदर हम लोग बैठे हैं और मुझे फील हो रहा था कि यार ये क्या हो रहा था, और पीछे क्राउड की आवाज़. तो आई थिंक इट इज़ गॉट इमेंस पोटेंशियल जो हमने कभी टच ही नहीं किया. So we just feel that, you know, that I want to do this, and I'm very happy that my friends are supporting me, and in this particular way we want to take it to the highest level, jo ke hamare Modi sahab bhi chahte hain, aur jiske liye unhone personally mujhse ye letter mein kaha hai ki, you know, it is the best thing that we should take it to the level which is still ignorant with people and make this a way of life. To usse bahut fayda, bahut cheeze ho sakti hain. And I would just like to add ke I think ki aaj ke daur mein ki connectivity ki wajah se
हम एक्चुअली एक दूसरे से और अपने आप से बहुत दूर हो गए हैं. योगा एक ऐसा डिसिप्लिन है, स्पोर्ट है, एक्सरसाइज फॉर्म है या वे ऑफ लाइफ है जो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन फिर से हम अपने आप से पहले वी कैन रीकिंडल दैट. एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट ट्यून इन टू योर सेल्फ, क्योंकि अगर हमारी खुद की कनेक्शन अपने आप से ही नहीं है तो बाहर के लोगों के साथ या दुनिया के साथ क्या कनेक्शन रहेगा. सो इट हम्बल्स यू, इट मेक्स यू गो इनवर्ड्स एंड इट टीचेस यू दैट यू आर केपेबल ऑफ अ लॉट इफ यू जस्ट हैव पेशेंस एंड यू जस्ट कीप एट इट. सो आई थिंक योगा इज हैज़ नॉट ओनली बीन द पास्ट बट इट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वुड नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल. It will be around, it's been around much before us. Oh, yeah. And it will be around much after all of us. So, yeah. More power to that. And like I said, I'm an animal lover. Aur main apne jo bhi chhe kutte hain aur char billi. And I see them and they naturally perform yoga daily. They stretch and you say, oh my God, that's a yoga posture. So animals ne ye seekh liya hai. Why aren't we, who's supposed to be superior to them, kind of just picking up what is in our legacy and breathing more? Being a part of the Yeah, I mean, one surname here and there can truly change somebody's future and life, you know that? So I feel that this is very important, that this trial by media and this loose throwing of naam, please not do it, because it can devastate somebody's existence and reputation and what they stand for. But I think we all agree about one thing, is that sexual harassment, violence against women, sexual abuse is not new to India or the subcontinent. Unfortunately, ये हमारे देश में एक reality है, क्योंकि जब भी आप चाहते हैं कि घर में पहले जो है मर्द पैदा हो और औरत उसके बाद में, तो discrimination तो वहीं से शुरू होती है. हमारी industry में हम लोग discrimination pay scales के बारे में बात नहीं करते हैं. I think I'm one of the few producers who actually pays my female actors more than I pay my male actors, because I make female oriented films. तो is it a reality? Yes, it is a reality. Is it a reality in Bollywood? Yes, but it's a reality in media. It's a reality in politics, it's a reality in college, it's a reality in every place jahan pe power exchange hoga. Agar power exchange hone wala hai, wahan pe aise bhi situations hain where women utilize their sexuality to be able to gain that foothold. Aise bhi aurte hain jo shaadi karte hain logon ke saath kyunki wo powerful aadmi hain aur phir unke daily affairs se bahut mud ke kahin aur dekhte hain kyunki wo convenient hota hai unke liye aur wo tag jo hai उनको कहीं ना कहीं पावर देता है. तो दैट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम अ वुमन हु वांट्स टू गो आउट देयर एंड एक्सचेंज सेक्सुअल फेवर्स फॉर फेम. सो माय व्यू ऑन दिस इज कि हर औरत को ये झेलना पड़ेगा. इट इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ. अपने बेटियों को अगर आप झूठ बोलेंगे कि भैया आपके साथ ये होने नहीं वाला, तो आप अपने बेटियों को कहीं ना कहीं यू आर डिसआर्मिंग देम. यू हैव टू टीच योर यंग गर्ल्स एंड योर यंग बॉयज दैट देयर विल बी समबडी आउट देयर हु माइट वॉन्ट टू एक्सप्लॉइट यू. You have to be able to stand up to that exploitation. You have to be able to stand up for somebody else who's getting exploited. And also very importantly is give the voiceless a voice. So I think ke jabhi bhi koi kuch kehta hai, unki awaaz sune, unko dismiss na kare. But don't be as quick as he said ke get the surname right. Because kya hota hai ke to paint every man with the same brush is unfair. Ke har koi mard jo hai duniya mein, kyunki wo mard hai, cannot be a sexual predator, na? And every woman jo wahan pe hai, just because she is a woman is not necessarily a victim. Sometimes she's also a perpetuator. So I think we need to look at it in a more balanced manner. But to expect people to stand up for you when you go through the flames of life is being very myopic and very, very naive. Apne khud ke pairon pe khade ho. Agar aapke andar koi sach hai jiske liye aap sachi chahte hain ki aapki sach jo hai logo tak pahunche, to jhagda karo, lado, kyunki PR ki zarurat nahi padti hai sach ko. वो आग की तरह या पानी की तरह अपनी जो है जगह और अपनी वे ढूंढ लेती है. सो इट्स गुड दैट पीपल आर स्पीकिंग आउट, मगर ये स्पीकिंग आउट से ट्रायल ऑफ मीडिया से होगा क्या? सो वी नीड टू लुक एट प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लाइफ. इट्स टू ईजी टू नेम पीपल एंड आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, नाम क्यों लें? वी हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल अबाउट नेमिंग पीपल. फॉर एवरी मैन हु हैज़ वायलेटेड अ वुमन, देर इज ऑल्सो केसेज वे मैन हैव बीन ब्लेम्ड
फॉर केसेस वेयर दे वर ट्रूली इनोसेंट, एंड फिर एक ट्रायल बाय मीडिया हो जाता है उसके पहले, और फिर वो कोर्ट केस उनके फेवर में आता है जजमेंट, तब तक तो उनकी रेपुटेशन, उनकी फैमिली लाइफ सब तबाह हो जाती है ना. तो वी हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड अबाउट दिस, इट्स नॉट समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट कैजुअली. एक बार फिर से आपका आभार. मैं दीपक जी से अनुरोध करूंगी कि प्यार का नजराना जिसकी कोई कीमत नहीं होती, सिर्फ प्यार होता है, और वो प्यार ही दुनिया की सौगात होता है, उसे पेश करके उनका अभिनंदन. नमस्कार आप सभी को. सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच द वंडरफुल वर्ड्स आपने जो मेरे बारे में बताए. दीपक ने आज ये जो एंडेवर किया है योगा और इसको स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे लेकर जाकर के उसकी अवेयरनेस बढ़ाए, और जो भी अलग अलग स्टेट्स के योगा की इस कला के माहिर उनको इकट्ठा करके हमारा ये योगा जो हमारे देश से बेसिकली शुरुआत हुई है, इसकी और देशों तक हम लोग इसको फैला सकें, ये बहुत ही अच्छा एंडेवर है. दीपक को मैं भी बता रहा था कि पिछले महीने ही मैंने पहली बार योगा ट्राई किया, इतने सालों में आज तक मैंने ट्राई नहीं किया था. और अब तक क्या एक पॉपुलर बिलीफ रहती है कि मैन जनरली डोंट डू योगा बिकॉज वो थोड़ा सिसी कहलाया जाता है, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे फोर्स किया और जब मैंने ये योगा किया पिछले तो मुझे मेरी नानी याद आ गई बिकॉज वो इतना पसीना हुआ था मुझे, और ऐसे ऐसे मेरे बॉडी के हिस्से पुर्जे हिलने लगे थे, डुलने लगे थे, जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपने आप को एक ऐसी अच्छी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज और फॉर्म ऑफ मेंटल बीइंग से अपने आप को आई वॉज कीपिंग माई सेल्फ डिटैच्ड, एंड इट वॉज सच अ बिग लॉस फॉर मी, एंड आई एम सो ग्लैड दैट नाउ आई हैव एक्चुअली गॉटन नॉट टू डूइंग योगा, एंड आई होप टू ऑन अ पर्सनल नोट कंटिन्यू डूइंग सो. So Deepak, once again, congratulations on this interview, and I hope you the very best and many lots of channels in the coming years. Thank you once again, ma'am, and thank you everyone for listening to me. Take care. Bye-bye. Bye. Thank you, Ji. Thank you so much. दोस्तों